ओके okay. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का ही रिवीजन चल रहा है आपका। तो यस इलेक्ट्रिसिटी का सर। रिवीजन आज कुछ फोर्थ लेवल का क्वेश्चन करने वाला, फोर्थ लेक्चर है आपका। तो प्रॉब्लम से ही करेंगे मेनली आज भी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर करो भैया। आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। यस अब इस सर। क्वेश्चन को करोगे, इससे अगला क्वेश्चन अच्छे और अच्छे लेवल का। तो करो भाई क्वेश्चन। हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर आपका माइक सर ऑन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइंड टू बी ऑन 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई। 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं और हर एक बल्ब 10 वॉट का है। हाउ मेनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर्स ऑफ 220 वोल्टेज लाइन। मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना हो सके? 5 एम्पियर हो सके। पैरेलल में कितने कनेक्ट करूं, क्या क्या कनेक्ट करूं बल्ब की, जिससे कि मेरा 5 एम्पियर करंट सप्लाई, 5 एम्पियर करंट मेरी बैटरी से निकले। तो अब क्या करोगे? पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, क्या हम इसे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल सकते हैं? अभी यस सर। बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल सकते हैं? ठीक है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल लो। अब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, टोटल रेजिस्टेंस, एक्चुअली एक्चुअली मैं आपको यहां से क्या निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए, अभी क्या करोगे? पोटेंशियल आपको कितना है? 220 वोल्ट। करंट कितना है? 5 एम्पियर। वी इक्वल टू आई आर लगा दो, वी इक्वल टू आई आर लगा दो। अब क्या आ जाएगा आपको? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा। वहां से आपको क्या करोगे? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, अननोन नंबर ऑफ बल्ब निकालने, एक्चुअली में नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं आपको। करो भाई करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। हाउ मेनी बल्ब्स, कितने बल्ब होंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। हाँ एक बच्चे का आंसर आ चुका है भाई, दो बच्चों का आया। वेट करते थोड़ा सा और, अभी बाकी लोग भी करें।
तीन बच्चों का आंसर आया भाई अभी। हाँ भूमि का बेटा आंसर बताओ। ओके 110 बल्ब्स। हंसिका, हंसिका कौंटल, 510 बल्ब्स। ऋषि कुमार, सर सेम ही है। अवनीत कौर, सर वंशिका, सेम अंकिता। है। 110 वोल्ट। वेल डन, सबका करेक्ट आंसर है भाई। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। देखो उसने क्या बोला है कि सेवरल बल्ब्स आर डिजाइंड टू बी यूज 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड बाई 10 वॉट। बहुत सारे बल्ब हैं जो कि 10 वॉट के हैं, 10 वॉट के हैं, और सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट। हाउ मेनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर्स, दो वायर्स के अक्रॉस कितने पैरेलल में बल्ब लटकाए जाए जिससे कि मैक्सिमम अलाउबल करंट 5 एम्पियर ही बचे। अच्छा, मैक्सिमम अलाउबल करंट है 5 एम्पियर और 220 वोल्ट को वी इक्वल टू IR से कनेक्ट करूं तो मेरा जो R आएगा क्या टोटल रेजिस्टेंस आएगा या बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा, पहले तो ये बताओ। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सारे बल्ब को पैरेलल में लगाने के बाद में या फिर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा, बताएगा कोई भाई? काफी लोगों ने आंसर किया है। भूमिका आप बताओगे बेटा? वंशिका, अंकिता, ऋषि कुमार, ओके चलो मैं बताता हूं। देखो जब आप 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर को देखोगे वी इक्वल टू IR लगाओगे इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आएगा। माना कि आप 10 रजिस्टर हो, 10 बल्ब आए मेरे, तो 10 बल्ब को पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो होना चाहिए वी इक्वल टू IR से इस वाले से। अब पावर दिया हुआ है मेरे को 10 वॉट, 10 वॉट पावर दिया हुआ है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर से यहां से मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर,
पावर ऑफ बल्ब कितना है, 5-10 वॉट है। तो माना कि एक्स नंबर ऑफ बल्ब आपके पैरेलल में कनेक्ट हो, मान लिया एक्स नंबर ऑफ, हमें नहीं पता क्या नंबर होगा भाई, एक्स नंबर ऑफ बल्ब आपके कनेक्टेड होंगे, तो हम क्या करें, पहले क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि हम क्या निकाल लें, पावर के फॉर्मूले से क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर निकालेंगे हम, वी स्क्वायर अपॉन P, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा ये जो रेजिस्टेंस आया है ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, 4840 ओम, एक बल्ब का। अब आप देखो कि V इक्वल टू आई आर से क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर से आएगा मेरा, जब X नंबर ऑफ बल्ब को मैं सीरीज पैरेलल में लगा दूंगा, तब टोटल जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो रेजिस्टेंस निकालने वाले हम किससे, V अपॉन I, V कितना 220 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 44 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon R equivalent = 1 upon R1 + 1 upon R2, यही होता है कि नहीं होता है, बताओ। Yes, sir. अब देखो n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दोगे, n नंबर, या फिर n नंबर मतलब x नंबर ऑफ है, x नंबर ऑफ रजिस्टर है, तो 1 upon R equivalent, ये क्या है मेरा, R equivalent ही था एक्चुअली में, किसके इक्वल है, R equivalent के इक्वल है, तो 1 upon R = 1 upon R1 × x। अब मुझे क्या पता है, यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो क्या आएगा, R1 ऊपर चला गया, R नीचे रह गया, तो R1 ऊपर R नीचे, R1 क्या है मेरा 4840 divided by 44, तो मेरा 110 नंबर ऑफ बल्ब आएंगे, मैंने 110 बल्ब को अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा 220 वोल्ट की सप्लाई से, तब जाके मेरा 5 एम्पियर का करंट पास होगा। बोलो चमका। यस सर। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन को करो जरा, सेकंड क्वेश्चन को, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी दे दी, डायमीटर दे दिया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच does the resistance change if the diameter is doubled? आपको फॉर्मूला लगाना है R equal to rho L by A, rho L by A वाला फॉर्मूला लगाना, करो भाई। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स।
तीन बच्चों का आंसर आया भाई अभी तक। चलो चलो वही, काफी वेट हो गया। अंजलि चौहान आंसर बताओ बेटा। अंजलि, अरे चौहान साहब बोलो। अप्सरा दिमन, 722.77 साक्षी, 0.5 ओम, ऋषि, 2.5 ओम है सर। 2.5 ओम डायमीटर। ओके, राजेंद्र, सर 2.5 2। ओके, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखो, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है भाई, ये क्या आपका डायमीटर दे रखा है, एंड रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, ये रेजिस्टिविटी मतलब क्या दे रखा है, रो दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला याद हो, आर इक्वल टू होता था रो एल बाई ए। वर्कआउट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस, इतने हो गए, यानी कि आर की वैल्यू दे दी, ए यहां से निकालेंगे, डी ए यहां से क्या होगा, 5/4 d²। एल आपको पूछा है, उसने एल पूछा है, आर दिया है, रो दिया है, ए हम निकाल सकते हैं। क्या फर्स्ट वाला बहुत इजी आंसर है, बोलो। अब सेकंड वाले में क्या कर रहा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा एरिया, 4 गुना बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा भाई, नीचे 4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा ना, 4 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। देखते हैं जरा कैसे करोगे। देखो, माना कि इसकी रेजिस्टिविटी रो है, कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻¹। डायमीटर दे रखा है कितना, 1.5। रेड और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम, मतलब रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। रेडियस क्या हो गई, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 0.5 / 2, यानी कि 10 to, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.25 × 10⁻³ मीटर। अब आप देखोगे लेंथ कितना पूछा है भैया, लेंथ, और बी में क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, ठीक है, हमें आर पता था रो एल बाई ए, और ए हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले क्या करें, हम पहले निकाल लेते हैं आर, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो हमने निकाला आर ए अपॉन एल, एक्चुअली हमें चाहिए क्या, एल चाहिए, एल चाहिए, तो एल को इधर ले जाओ, रो को इधर ले आओ, तो क्या होगा, आर ए की वैल्यू डाल दो पाई आर स्क्वायर, एरिया, एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई फोर डी स्क्वायर बोलो, या फिर आप बोलो पाई आर स्क्वायर, बात एक ही है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो, वैल्यू पुट कर दो बस। आपका आर क्या है, आपका आर कितना, 10
10 ओम, 10 ओम इंटू पाई आपका पाई रहेगा 3.14, आर आपका क्या है 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 स्मॉल आर रेडियस, ये हो गया डिवाइडेड बाई रो, रो कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू माइनस के 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कैंसिल आउट करो 1.6 से ये 1.57 टाइम्स कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आने वाला है, देखो जरा कितना आ रहा है, अरे आओ तो हमारा आ रहा है 122.6, सभी बच्चे का आया भी था ये 122.6। ये क्या आ गया हमारा, ये करंट आ गया, सॉरी लेंथ, लेंथ सॉरी करंट बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ द वायर। अब हमें लेंथ तो पता चल गई, अब इसका डायमीटर अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, इसका मतलब अगर मैं डायमीटर, तो मेरा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² की है कि नहीं है, यहां से देखो 5/d² लिखूं 1/d² की है, अगर इसको 2 गुना करूंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स, होगा कि नहीं होगा बोलो। अगर मैं बोलूं तो मेरा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² है, तो इसको अगर आधा करूंगा यानी कि 1 इसको 2 गुना सॉरी 2 गुना करूंगा तो 1/4 टाइम्स यानी कि 4 गुना कम हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस, या फिर बोलूं कि इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस, यस और नो? यस सर। समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं सर? आ गया सर, आ गया समझ। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन करो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इसे सर्किट बना देते हैं, चलो दोनों रजिस्टर्स की हमें पावर निकालनी है, दोनों में हमें पावर निकालनी। आर वन जब मेरा सीरीज में कनेक्ट है और आर वन जब मेरा पैरेलल में कनेक्ट है, तब आर वन में पावर तब क्या होगी जब सीरीज में कनेक्ट है, और आर टू की पावर तब क्या होगी आर वन की जब मेरा आर थ्री के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, ये पूछा है मेन क्वेश्चन ये है।
तीन बच्चों का आंसर आया है। अब सेक्सी बेटा आंसर बताओ। फर्स्ट क्या है 12 वॉट और सेकंड क्या है 9.33 वॉट। ओके अप्सरा सर पहले मैं 8 वॉट और दूसरे मैं 1 वॉट। ऋषि कुमार सर आई निकला 2 एम्पियर और 8 वॉट। अभिनीत कौर सेम है भूमिका कपूर सर 8 वॉट। अंजलि चौहान सर 8 वॉट अंजलि एंड वन चौहान वॉट ओके चलो वॉट एंड इसको सॉल्व करते हैं। देखो उसने क्या बोला है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हर एक में आपको पहले वाले में क्या था हमारा, किसमें कनेक्ट था हमारा, पहले वाले में सीरीज में, दूसरे वाले में पैरेलल में। तो हमने देखो R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 दे रखा है, ठीक है। हमें P1 पूछा है और P2 पूछा है पीछे वाले सर्किट के। देखो पीछे वाले सर्किट की बात हो रही है, इस वाले सर्किट की बात हो रही है। इसको दिमाग में रखो कि R2 मेरा 1 ओम है, R1 मेरा 2 ओम है, R1 मेरा 2 ओम, R1 R1 दोनों में सेम है, R3 क्या है 12 ओम, और R3 के साथ में क्या है 4 वोल्ट की बैटरी है। इस चीज का ध्यान रखना है बस। अभी देखो अगर मैं पहले वाले सर्किट की बात करूं तो दोनों किस में है, R1 R2 सीरीज में है कि नहीं, दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, और V इक्वल टू क्या लगा दो, V इक्वल टू आईया V1 हमें दे रखा है 6 वोल्ट, I निकालना है निकाल लेते हैं, RS हमें पता है R1 प्लस R2 से, तो आप बोलोगे और P1 भी क्या बोल सकते हो, I स्क्वायर R, ये तो फॉर्मूले हैं वैसे, फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे। अब आता है हमारा सॉल्यूशन, 1 एंड 2 ओम रजिस्टर किसमें है, सीरीज में, सीरीज में तो क्या करोगे, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 क्या है, R1 क्या है 2 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम हो जाएगा, RS क्या आएगा 3 ओम, V1 क्या लगा दो I इंटू RS। अब यहां से क्या करोगे, I निकाल लो, आप I निकाल लोगे यहां से, I क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, भाई ये 6 है वो 6 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 एम्पियर आ गया। अब 2 एम्पियर मुझे करंट पता चल गया और 2 ओम रजिस्टर था उसका रजिस्टेंस था, तो पावर निकाल दूं I स्क्वायर R से, बोलो यस सर। तुमने I स्क्वायर R से पावर निकाली, तुम्हारी पावर कितनी आई 8 वॉट आई, ये पहले 2 ओम रजिस्टर्ड में, रजिस्टर में तो मेरी पावर आ गई 8 वॉट। सिमिलरली सेकंड को देखूंगा, सेकंड वाले में क्या है, मेरा 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है भाई, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है बोलो। अब मेरा 1 अपॉन R1 R2 होता है, तो हम अब हम क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, द कॉम्बिनेशन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देख लो चाहे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 12, क्या होगा 12 LCM आ गया, तो 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, या फिर आप एक तरह से और भी ले सकते हो, हाँ ये बात भी ठीक है कि अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की देखूं तो क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था, पावर डायरेक्ट निकाल सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा के। अरे फिर से सर्किट पे चलते हैं, सीरीज में मेरा करंट सेम रहता था, आई करंट सेम रहता था, पैरेलल में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था कि नहीं रहता था, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट, इसके अबाउट भी क्या होगा 4 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, तो क्या मैं पावर का फॉर्मूला लगाता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर टू, वी मुझे पता है 4 वोल्ट, आर टू मुझे पता है 2 होगा, है कि नहीं? अरे यस सर, 4 वोल्ट का स्क्वायर क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई, क्या होगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 8 वॉट, यानी कि दोनों की पावर क्या आ रही है आपकी 8 वॉट ही आ रही है, 8 वॉट। किसी बच्चे का एक सही था, किसी का दोनों सही थे, बट सबने ट्राई किया, वेल एंड गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब आपको निकालना है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी क्यू के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करो भाई करो। तीन बच्चों का आंसर आया है, ओके। चार बच्चों का आंसर आया, अवनीत कौर बेटा आंसर बताएं। सर 6/5 ओके, साक्षी के सब 6/5
भूमिका कपूर, भूमिका कपूर, अक्षरा धीमन, सिक्स अपॉन फाइव ओम। ओके, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा कभी भी क्वेश्चन वो पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उन्हीं पॉइंट से आप करंट को फ्लो करा के देखो कि इस पॉइंट से अगर मैं करंट को फ्लो कराऊंगा तो देखो एक तो इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, या फिर मैं इस पॉइंट से करंट को फ्लो करा के देखू तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब अभी सीरीज पैरेलल की बात नहीं बन पाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहां से आई करंट गया, क्या थ्री ओम में आई जाएगा और सेवन ओम में भी आई जाएगा? आई वन बोलते चलो इसको, यस सर नो, आई टू बोल देते मान लो। तो यहां से अगर मेरा आई टू गया तो फोर ओम में भी आई टू जाएगा, सीधा सीधा जाके सिक्स ओम में भी आई टू जाएगा, यस सर। और सेम करंट जब होता है तो रजिस्टर्स किसमें होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? बोलो सीरीज में। जब आपके करंट सेम होते हैं तो आप बोलोगे कि आपके क्या होता है, रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, तो आप ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। तो देखोगे आर पी ए क्यू, पी ए क्यू यानी कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेवन प्लस थ्री टेन ओम, सिमिलरली इन दोनों का सिक्स प्लस फोर टेन ओम। अब आप देखोगे यहां से एक और वो बनेगा सर्किट, अगर मैं बना देता हूं, चलो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सर्किट बनाऊं तो मेरा क्या सर्किट बनेगा, जैसे पी पॉइंट यहां पे है, यहां से एक तो जाएगा ऐसे रेजिस्टेंस पी तक, एक आपका ये होगा पी तक, इस पॉइंट तक एक होगा ये आपका क्यू है, ये पी है, तो माना कि पी से करंट निकलेगा तो तीनों डायरेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये रजिस्टर इसमें क्या है, ये टेन ओम है, ये वन ओम है और ये टेन ओम है। अब ये रजिस्टर्स किसमें हो गए, सीरीज में या पैरेलल में, तीनों के तीनों, अब ये तीनों के तीनों किसमें, पैरेलल में। तो आप देखोगे वन ओम टेन ओम, वन ओम एंड टेन ओम किसमें है, पैरेलल में। अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन टेन प्लस, देखो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, फॉर पैरेलल के लिए वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टेन, तो हमारा एलसीएम लिया टेन वन प्लस टेन प्लस वन, तो हमारा आया 12 अपॉन 10, यानी कि R का उल्टा कर दो इसको, 10 अपॉन 12 इज योर करेक्ट आंसर, 10 अपॉन 12 बोलो, या फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो, 6 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स उल्टा करोगे तो 5 बाई 6, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। बोलो चमका, चमका की नहीं, चमका ठीक है। एक और क्वेश्चन करो भाई, इस क्वेश्चन को करो, इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। फाइव रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एमिटर रीडिंग, एमिटर रीडिंग इन द सर्किट। करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में ये बता, तो पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट यूज करके आपका करंट आ जाएगा। करो भाई,
विनीत कौर का आंसर आ चुका भाई। बच्चों का आंसर आया। अवनीत कौर बेटा आंसर बताओ। साक्षी 1 मीटर, भूमिका 1 एम्पियर, अंजलि चौहान अप्सरा दिमन सर 1। ओके, हमें चाहिए क्या, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन एश होने दफ्तर। मैं ये नहीं बताया कि सीरीज में पैरेलल में कुछ नहीं। उसने पूछा इस एमीटर में इसमें करंट क्या आएगा, मतलब आई की वैल्यू कौन सी गई है। देख बात बताओ मेरे को, पॉजिटिव टर्मिनल ये पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें है जरा एक बात बताओ, ये दोनों रेजिस्टर्स ऊपर वाले। देखो मान लो यहां से कुछ करंट गया होगा तो इससे वही करंट पास होगा, इससे भी वही पास होगा। क्या ये दोनों सीरीज में है? Yes, sir. अब ये दोनों सीरीज में है, जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे कुछ बनेगा। तो ये और ये किस में हो जाएंगे भाई, पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. अब जब जब पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका एक रेजिस्टेंस बनेगा कुछ ऐसे। तो फिर ये जो रेजिस्टेंस बनेगा रेड वाला, तो 0.5 और ये रेड वाला रेजिस्टेंस और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। इमेजिन yes, तो हम देखेंगे कि मेरा बी और डी के बीच में ये वाला और ये वाला तीनों 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 किसमें, सीरीज में है। सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दिया, 6 ओम हो गया। अब आप देखोगे 6 ओम और ये 3 ओम, ये वाला 3 ओम किसमें, पैरेलल में। तो 1/RP = 1/RS + 1/3, तो 1/6 + 1/3 = 3/6, तो आरपी क्या जाएगा 2 ओम। उल्टा कर दो ना, उल्टा करोगे 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम है, ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस है रेड वाला। 0.5 ओम, 2 ओम और 0.5 ओम किसमें, सीरीज में। इन तीनों को ऐड कर दो, 0.5 + 2 + 0.5 कितना आ गया 3 ओम। ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। बैटरी की बैटरी कितनी है 3 वोल्ट की, तो हमें कौन सा फॉर्मूला, V = IR फॉर्मूला लगा दो, तो V कितना है मेरा 3 वोल्ट, R कितना है, R इक्विवेलेंट 3 ओम, तो करंट कितना आ गया, एमीटर रीडिंग 1 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। ठीक है, तो ये होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने किए हैं उसी टाइप के हैं। और बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आज हमने क्वेश्चन किसके ऊपर किए हैं मेनली, किस किस टॉपिक के ऊपर। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर किए हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर,
जिसमें आर इक्वल टू रो एल वाई ए, और किस पे किए? सीरीज, यस सर, सीरीज और पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंसेस पे क्वेश्चन किए हैं, और किस पे किए हैं? अच्छा, सीरीज के लिए क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू करते हैं, और पैरेलल के लिए क्या करते हैं? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, यही करते हैं। यस सर। और कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आज हमने? और कौन से पावर वाले क्वेश्चन किए? पावर पर यूज किए हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वी आई आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला यूज किया है कि नहीं आज? यस सर। यस सर। तो आज हमने इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए हैं। कोई दिक्कत किसी भी प्रॉब्लम में अभी तक? नो सर। नो सर। क्लियर है? ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अतरंगी प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, बाय एवरीवन।